चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि अधिकांश वाहन बाहर से आते हैं, उनके पास पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं होता। उसकी रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने टेस्ट पॉइंट बनाए हैं, जहां पर हिल ड्राइविंग का टेस्ट लेकर गाड़ियों को आगे भेजने का प्रावधान है। चारधाम यात्रा के दौरान हम विशेष रूप से तैनाती करते हैं। बद्रीनाथ में एक थाना खोला जाता है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में चौकी खोली जाती है और अलग से भी होमगार्ड और सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है कि जो अधिकांश यात्री और वाहन बाहर से आते हैं, उनको हिल ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता। तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं और हिल ड्राइविंग का टेस्ट लेके वो गाड़ियों को आगे भेजने का प्रावधान है। लेकिन निश्चित रूप से गाड़ियों की संख्या इतनी रहती है कि हर एक का इस तरह से टेस्ट कर पाना ऋषिकेश में या जो हमारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे संभव नहीं है। तो इसमें मैं ज़रूर सभी तीर्थयात्रियों से अपील करूँगा जो अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं या बसें चार्टर करके आ रहे हैं या टेम्पो ट्रैवलर्स के माध्यम से आ रहे हैं, कि वो अपने स्तर से भी इस बात का एहतियात रखें कि जिस ड्राइवर के साथ वो ये यात्रा संपन्न करने आ रहे हैं, वो स्वयं से भी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वो ड्राइवर हिल्स में गाड़ी चलाने के लिए सक्षम है या नहीं, उसको उस बात की ट्रेनिंग है या नहीं।